आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है, कुछ बताएंगे इसके बारे में, लोगों को अपडेट कर सकते हैं? ठीक है, थैंक यू। आइए और आगे आप कुछ बोलना चाहेंगे उत्तराखंड के बारे में? ये बोलना है, कह रही है मैं नहीं बोलूंगी, पहले गोलगप्पे खाऊंगी फिर बोलूंगी, है ना? तो सभी से बात हो गया है। भाई साहब कुछ बोलना चाहेंगे उत्तराखंड के बारे में, जो भी आपको बेस्ट लगता है अभी, आप जो चल रहा है अभी? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे बढ़ाए आगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज है। जो बच्चे हैं उनको अपनी संस्कृति की जानकारी होती है और उसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बड़े बुजुर्ग करेंगे वैसे हम जैसे बच्चे भी करेंगे, क्योंकि जैसे आप सिखाओगे वैसे ही बच्चे सीखेंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम उत्तराखंड के बारे में जानकारी अच्छी दी। और यहाँ पर एक मॉल बना हुआ था, हमारे एक बहू जी बैठे थे, पूछे थे, नमस्कार, जब पकड़ो जरा, नहीं बोले ना तुम, क्या बोला जय उत्तराखंड, बोलती एक बार, नहीं बोलने बोले है, भूल रहे नहीं बोलेंगे, क्या काफ़ी यहाँ पर लोग हैं, बताता हूँ और भी लोगों से बात करें और धीमे धीमे चलते हैं यहाँ पर संस्कृति सभ्यता जोड़ करके। और तो आप कुछ बोलना चाहेंगे सर, क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर, पकड़िए कुछ उत्तराखंड के बारे में जो भी बता सकते हैं बेस्ट। आप कहाँ के रहने वाले सर, सबसे पहले आप रूबरू कराइए। अल्मोड़ा के सर, इधर एक परसेंट जी। अच्छा जी, अल्मोड़ा किस जगह पर सर, ये बताइए कोई आपकी बेहतरीन जगह कौन सी जिसे हम देखने आए? अल्मोड़ा से अगर देखने आना है तो अपने को रानीखेत है। अच्छा जी, है ना, बागेश्वर हो गया। अल्मोड़ा में क्या चीज सबसे बेस्ट है जो हम वहाँ पर आके खरीदे या परचेज करें, तो क्या चीज़ें? एक तो बाजार बहुत फेमस है और दूसरा वहाँ की जो बाल मिठाई है ना वो सबसे ज्यादा फेमस है, मतलब वर्ल्ड फेमस है। अच्छा, और लोग उसको स्पेशली जो वहाँ पे खरीदते हैं ना, वो ये बहुत शानदार है। तो सर आज का जो बसंत पंचमी का त्यौहार, जो त्यौहार मनाया गया एक तरीके से, इसमें कैसा लगा आपको आकर यहाँ पे? बहुत शानदार लगा और बहुत अच्छा लगा कि हम मतलब उत्तराखंड के बाहर भी लोग उत्तराखंड के बारे में, मतलब इतने प्रवासी लोग यहाँ पे हैं जो संगठित होकर ये प्रोग्राम कर सकते हैं, तो ये क्या अपने को ना एक नई पहचान देगा और एक जो हमारी संस्कृति, हमारा जो कल्चर है जो हम लोग भूल चुके हैं, जो हमें ये पता ही नहीं रहता कि हमारे जैसे आपकी जो जनरेशन है, जैसे जो लोग बहुत साल पुराने पैदाइश है, मान लो 80-85 या उससे पहले की पैदा, तो उनको फिर भी पता है, लेकिन जो 2000 या उसके बाद पैदा हुए उनको शायद ये चीज़ नहीं पता, क्योंकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग, लोगों का कल्चर, लोगों का स्टाइल वो से एकदम चेंज हो गया। बिल्कुल सर, तो ये एक तरह से अपने को पहचान देता है। और आज मैंने ये टोपी भी जो खरीदी ना, ये यहीं से खरीदी और फर्स्ट टाइम मैंने लगाया इसको। सर काफ़ी अच्छा लगा आपने उत्तराखंड की टोपी, तो मैंने वहाँ से वो भी लिया, तो वो एक्चुअली क्या है, थोड़ी सी एक पहचान बनती है अपनी कि हमारा कल्चर कितना रिच है और हम जिसको हमारे आज के जो न्यू जनरेशन वो भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, एक एटलीस्ट उनको थोड़ा सा एक दोहराव, एक थोड़ा सा उनको याद दिलाएगा। तो नई जनरेशन को और क्या कहना चाहेंगे कुछ सर, कैसे इसे हमें अपनी संस्कृति, अपने जो अपना कल्चर है उससे जुड़ाव जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे उत्तराखंड में है शायद हमें पता भी नहीं है। बिल्कुल सर, है ना, तो इससे जुड़े रहे उत्तराखंड से। और काफ़ी अच्छा आप लोगों ने आज ये यहाँ पे प्रोग्राम किया था लोनी में, अच्छा आनंद ला रहा था जिस टाइम हेमा करासी यहाँ पर गा रही थी, तो एक अच्छा मोहली बना था, सब लोग नाच रहे थे, सब लोग। तो सर आप नाचे नहीं नाचे ये बताइए, थोड़ा हम भी नाचे, मतलब अंदर से नाचे, बाहर से नहीं नाचे लेकिन अंदर से जरूर नाचे। अच्छा, तो सर उत्तराखंड के लिए कुछ और कहना चाहेंगे, कुछ बेस्ट? आप बेस्ट तो यही है कि मतलब पहले तो उत्तराखंड प्रगति करे। बिल्कुल सर, और मतलब एक हम तो ये बोलेंगे कि जब से राज्य बना हमें बहुत सबसे ज्यादा बहुत खुशी हुई थी। बिल्कुल, शुरुआत में राज्य बनने के लिए चल रहा था आंदोलन, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन ये मैं बोलूंगा कि वो जल्द से प्रगति करे और एक उत्कृष्ट, एक सर्वश्रेष्ठ, विकसित राज्य के रूप में। बिल्कुल सर, थैंक यू सर सो मच, आपका एक बार जय उत्तराखंड बोल दीजिए सर। जय उत्तराखंड, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ देख रहे किस प्रकार से लोग सर, यूके पहाड़ी ब्लॉग्स मेरा चैनल है, उसमें आ जाएगा, अभी अपडेट कर लीजिए, अभी आ जाएगा आपके चैनल, अभी लाइव भी कर रखा है मैंने इसको। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से काफी लोग यहाँ पर आए हैं, जुड़े हैं। और बूबू जी लग गए खाने, देखो अभी बूबू से बोला होता मैंने कि बात करो, बूबू लग गए खाने, और तेरी गाल मार रहे बूबू हैं, बूबू भूला के तुम गोलगप्पे खाना तुमको है? तो यार देखो यहाँ पर काफ़ी लोग, सॉरी है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो अब इसका आनंद ले रहे हैं पकौड़ियों का, क्योंकि पहाड़ी इन्होंने डिश खाया नहीं, तो अब ये कह रहे हैं कि पकौड़ी खा के अपना आनंद उठाए इसका है। तो पहाड़ी डिश यहाँ बना था, नहीं बना था, कुछ नहीं था पहाड़ी, मतलब नॉर्मल था जो भी था। तो यहाँ का काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था, और जिस प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ पर अपडेट थे, और मैंने चाहा कि यहाँ पर अपडेट कराऊँ आपको किस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है, जिस तरह से लोनी में या कहीं भी किसी क्षेत्र में होता है, तो मैं आपको जरूर यहाँ अपडेट करता हूँ। और मेरे माध्यम से अगर आपको कुछ नहीं देखने को मिलते जनरेशन की, जो आप जुड़े रहे हैं, और आज उत्तराखंड का एक अच्छा माहौल बनाया था, जिस तरह से यहाँ बसंत पंचमी का त्यौहार था,
सभी को आपको प्रसन्नपति की नेत्र से हार्दिक शुभकामनाएं, और ऐसी बने रहे, खेलते रहे, कूदते रहे और जीवन में एक नई नई उमंगें अपनी जगाती रहे। जिस प्रकार से यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है, हर इंसान चाहता है कि हमारे क्षेत्र में ये प्रोग्राम होता रहे और एक आनंद का माहौल बना रहता है। जिस तरीके से यहाँ पर आज एक आनंद का माहौल था, एक नई चीज़ देखने को मिली। मैं चाहता हूँ कुछ और भाई बंधु आप कुछ बोलना चाहेंगे, भैया कुछ बोलना चाहेंगे, बता दो यार तुम भी बोल दो। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, फिर भी कहना चाहूँ जय भारत, जय उत्तराखंड, जय श्री राम। अच्छा वो तो ठीक है, आपने अभी यहाँ क्या चीज़ नया देखा है? आज आप यहाँ आए थे, कितनी देर पहले आए थे और क्या क्या आपने देखा यहाँ पे? पहले आ जाऊँ इसके बारे में तो कुछ खबर, कुछ ही खबर नहीं, मतलब कुछ ही देखा आपने? कुछ नहीं देखा, थोड़ा बस। तो आप लेट हो गए आज, कराची के गाने देखे थे बस। और तो कैसा लगा हमारा कराची का गाना? बहुत बढ़िया, वो तो प्रसिद्ध गायक कलाकार है हमारे उत्तराखंड के, उनको देख के अपना उत्तराखंड का कल्चर जो होता है और भी उनके साथ बड़ा उत्साह के साथ पूरा बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मजा आ गया, एंजॉय किया, मतलब पूरा बहुत मजा आया। तो फील हो रहा था जैसे उत्तराखंड में पहुंच गया, पहुंच कैसा लगा था? कैसा फील हो रहा था जैसे उत्तराखंड पहुंच गया, पहुंच कैसा लग रहा था? पहनाव को और उनका देखो अपनी रीति रिवाज को हमें कभी भुलानी चाहिए, और चाहे हमारा पहराव हो चाहे कुछ भी हो। हाँ बिल्कुल जी, आप भी बताइए, बोलिए क्या? हाँ बोली बोली बोली, आप बोलिए। कह रहा ना कि जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं उन्हें पता है, उनको क्या पता, मतलब क्या करना है, मतलब क्या करना चाहिए? जो भी है अपने कल्चर को बनाए रखे हुए हैं। अच्छा, मतलब कैसे बनाए रखे हैं बताइए कुछ इसके बारे में? कैसे रखें, जैसे मतलब वस्त्र पहन के, जेवर जेवरात पहन कर, या अपनी बोली भाषा से, कैसे मतलब साल में एक दो बार तो ऐसे होना ही चाहिए। बिल्कुल, साल में क्या मतलब, तो महीने में दो तीन बार हो जाना चाहिए यार, तभी मजा आएगा। बिल्कुल नहीं होता, लेकिन संडे तो हो सकता है टाइम, उनका पहला प्रयास है या दूसरा प्रयास है जो भी है, उसके बाद पहली पहर हो गई अब। हाँ, आखिर आज कम भीड़ थी, लगा थोड़ा उनको भी ऐसा लगा होगा, थोड़ा भीड़ तो बहुत ही अच्छी थी सर, हम थोड़ा लेट आए थे टीम के। आप लेट आए हो, लेकिन जिस टाइम से ये चालू होगा उस टाइम तो भीड़ होगी, टाइम पर होगा, लेकिन थोड़ा हमें ये लगा कि लेट तक प्रोग्राम चलेगा, लेकिन फिर भी टाइम सही था, जो 6 बजे तक ये प्रोग्राम समाप्त होगा, बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, इस साल थोड़ा कम था, नेक्स्ट ईयर और ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। और इस टाइम पर लोगों ने शायद हो सकता है व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में बताया ना हो अपने। हाँ, कुछ ग्रुप में अपडेट नहीं है, मैं भी बहुत दूर से होना पड़ेगा एक्चुअली, मैं भी यार फेस वन से यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर इसलिए कर ले। तो नमस्कार सर, थैंक यू आपका। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, आज एक अवार्ड किस बात का मिला ये बताएंगे जरा सा मुझे आप? ये उत्तराखंड कॉलोनी से आए हम। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा सहयोग रहा है इनके साथ, आज इनके साथ जुड़ के बहुत कुछ थोड़ा कुछ करना चाहते। तो सर आज कैसा विचार बना कि ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए? ऐसा ये प्रोग्राम हर 6 महीने में एक बार होना चाहिए। हाँ, और इसमें हमारी एकता का प्रतीक दिखाया जाता है। अच्छा, कि हम कितने एकजुट है। बिल्कुल, अगर कोई बाहरी शक्ति हमारे साथ कुछ करना चाहती है तो हम एकजुट एक आवाज से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सर भी आजकल ये भू कानून चल रहा है, आप उसको कुछ क्या कहना चाहेंगे भू कानून के ऊपर? तो बहुत पहले लग जाना चाहिए था, ये अब लगा है क्योंकि अब राम राज आ चुका है और भू कानून लागू हो चुका है। सर राज तो कब का आ गया था, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा उसे लुप्त करा हुआ था। मोदी जो आए हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो अभी धामी जी भी आने वाले थे, क्या हुआ आज धामी जी नहीं आए? जी का जरा सा आज कुछ प्रोग्राम दूसरे जगह का। अच्छा, और वहाँ पे हमारे वन मंत्री आ गए थे, एक मंत्री जी ने संभाल लिया, अगले बार धामी जी जरूर पहुंचे। बिल्कुल सर, लोनी से थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? बोलिए सर, कुछ बताइए कैसा लगा आज का प्रोग्राम, आप बताइए। आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया लगा है, और हम चाहते हैं कि हमारी संस्कृति इस तरह अगर हम प्रोग्राम करते रहेंगे तो संस्कृति बची रहेगी। बिल्कुल, अब नई जनरेशन को क्या कहना चाहेंगे? कि नई जनरेशन को हम ये कहना चाहेंगे कि अपने घर के अंदर पहले शुरू से ही अपनी भाषा को संभालें। बिल्कुल, भाषा में चलें, भाषा में अगर उनको भाषा आएगी तो वो अपना इस प्रोग्राम को संभाल पाएंगे। अच्छा, ये प्रोग्राम होता क्या है? ठीक है, अच्छा एक पहाड़ी में गीत है बेड़ू पाको, आपको आता जरा सा गा सुना सकते हैं दो लाइन उसकी? हाँ, सुना देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बेड़ू पाको बारामासा नरने कपड़ी पाको चेता मेरी छैला। क्या बात है सर, काफी अच्छा, काफी अच्छा गाना। और मैं चाहता हूँ सर आप भी कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ और बोलना चाहेंगे सर? बोलिए बोलिए। आज हमारे उत्तराखंड को बने हुए 22 साल हो गए, 22-23 साल हो गए, परंतु हमारे राजनेता जो हैं, बिल्कुल सर, ये नहीं चाहते कि वहाँ पे भू कानून लगे। बिल्कुल सर, इन नेताओं का नहीं चाहते भू कानून लगे, क्योंकि हमारा हक है भू कानून पे। बिल्कुल सर, हमारे वहाँ पे मूल निवास होता था 2050 का, वो मूल निवास इन्होंने खत्म कर दिया। अब इन्होंने जो हमारे साथ अन्याय छल, जो छल कहते हैं, छल किया है, वो ऐसा छल किया है कि हमारे को 6 महीने का या 6 साल का रहने के बाद भी वो स्थायी मूल निवास बनाना है। अब हमें थोड़ा सा थोड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन अगर हम एकजुट हो जाएंगे तो वार से भू कानून अच्छा लेकर आ सकते हैं हमें। जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, भू कानून का आंदोलन चल रहा है, मैं उसका एक सदस्य हूँ भू कानून का, और भू कानून का आंदोलन हमारा दिल्ली से शुरू हुआ था, देहरादून में शुरू हो रहा, अब हर जिले में हो रहा है। बिल्कुल सर, हर जिले में होना चाहिए। चाह रहे हैं कि
हम पहाड़ के पत्थर साबित होंगे, जो पत्थर जैसे पहाड़ कहे गए वो पत्थर साबित होंगे, हम भू कानून लेके रहेंगे। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भू कानून के लिए लड़ रहे हैं, एक अच्छा आभास कर रहे हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ भी बताना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के बारे में? आज जरा सा सर, यूके पहाड़ी ब्लॉग्स मेरा चैनल है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माधवन पनीर उत्तराखंड पावन भूमि नैनीताल क्षेत्र से, लेकिन दिल्ली में 35 साल से शांति नगर में। देवभूमि उत्तराखंड की हम उपज है सर, और देवभूमि पूरे हिंदुस्तान का भाल है। मैं ये कहना चाहूँ कि जो भरा नहीं है भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह मंदिर नहीं, पत्थर निरा जिससे स्वदेश से प्यार मिले। और उत्तराखंड धरती कहते प्रहृति जिसका नगाधिराज हो, और सागर चरण पसारे नव में जिसके चमकते हैं हो सूर्य चंद्रमा तारे, जन्मे जिसमें असंख्य नक्षत्र और अवतार घनेरे, होने क्यों नहीं देशभक्त उसके ये पुत्र दुलारे, उसके ये पुत्र दुलारे। तो देवभूमि की जो संस्कृति है, देवताओं की भूमि है, जितने भी देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश आदि शक्ति ने उत्तराखंड के पावन अंचल पर जन्म लिया, और इसीलिए आज माँ गौरी नंदा सुनंदा और भगवान केदार और भगवान बद्री विशाल को याद करके आज यहाँ पर डोली भी दिखाई गई। और हमारा प्रयास रहता है कि उत्तराखंड की ये पावन संस्कृति दिग दिगंतरों तक हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में भी अपना परचम लहराए। क्यों? क्योंकि सदा भवानी दाहिनी शक्ति गिरे गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पैगाम आदिशक्ति माँ और तीन देवताओं से है। तीनों देवताओं को हम लोग गॉड बोलते हैं, गॉड जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। जनरेटर भगवान ब्रह्मा, ऑपरेटर भगवान विष्णु, डिस्ट्रॉयर भगवान शुगले शंकर। तो इन सब के नाम से ही चलाया गया है। और मैं भी चाहता हूँ कि हमारी उत्तराखंड की संस्कृति पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह फैले और देश विदेश में फैले, और हमारे आने वाली नई पीढ़ियों को ये संस्कार ट्रांसफर हो। क्योंकि आज की डेट में पाश्चात्य और इस चीज़ को देकर के बहुत आए तौर से कहीं कि हमारी संस्कृति भ्रमित हो रही है, हमारे संस्कार भ्रमित हो रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी भी इन संस्कारों को समझ सके, ऐसा प्रयास ये जो आयोजन किया लोगों ने संगठन में, और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपके चैनल का भी शुक्रिया करूँगा कि आप ये बात हमसे लेकर प्रकाशित कर रहे हैं। थैंक यू वन सेकेंड। आपका शुभ नाम सर? सुरेश चंद। सुरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, माधवन देखते रहेंगे। मैं मईवर सर, मईवर फेसवन से आऊँ यहाँ पर। मईवर फेसवन 9953030993 आप नंबर मेरा ले लीजिएगा, संपर्क रहिएगा। कोशिश करेंगे आपके इस अभियान में हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। हमारी तैयारी बिटिया भी कुछ कहना चाहती है, कहना चाहेंगी कुछ? कुछ कहना चाहोगे? ये शर्मा रहे हैं, शर्मा मत, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो काफ़ी तो अभी आप मैं एक मिनट आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग लोगों ने काफ़ी चीज़ समझाई हमें, और भू कानून के बारे में आप लोग जुड़े ज़्यादा संख्या में, और वहाँ पर जहाँ भी ये प्रोग्राम होते हैं भू कानून का पहुँच कर वहाँ अपना सहयोग दें। देखो ये नाच गाने में आप सब लोग सहयोग देते हैं, एक भू कानून में भी आप सहयोग दें, जिससे हमारे एक अच्छा हो सके, हमारे उत्तराखंड का विकास हो सके। आप लोगों की सपोर्ट से योगा जैसा कुछ तभी पॉसिबल है। अगर आप नहीं जुड़ोगे तो ऐसे हमारा जो कोई भी हमारे उस पर कब्जा कर लिया, कोई अदर जो वासी वो रहेंगे यहाँ पर, और हम फिर द्वारा ये भूमि लोग में रहेंगे। हम चाहते हैं स्वर्ग लोग में रहना चाहते हैं, तो स्वर्ग हमारी भूमि है, वो है देवता का स्थान उत्तराखंड। तो जय उत्तराखंड। अभी और लोगों से बातें करते हैं, देखते क्या क्या होती है। थैंक यू। भला आज कैसा लग रहा था, आभास हो रहा था कि जैसे उत्तराखंड में पहुंच गए, कोई कैसे तो ऐसा प्रोग्राम बार बार होना चाहिए या कभी कभी रहना चाहिए? उसे तो आज का क्राउड कैसा था यहाँ पे? हाँ कुछ कुछ बता दीजिए, मैडम आप भी बता दीजिए कुछ अपने दिल के बाद उत्तराखंड के बारे में, कुछ बेस्ट बता दीजिए, आपको बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है थोड़ा सा ही बता दीजिए हमें, कुछ भी बता दीजिए जो भी आप जानते हैं उत्तराखंड के बारे में। सबसे पहले कहाँ के रहने वाले पहले बता दीजिए। मैं वैसे तो मेरा
अच्छा अच्छा सालने में क्या चीज़ मशहूर है जो आप वहाँ जाकर बार बार जाने का दिल करता है? कोई देव स्थान या कोई ऐसा? अच्छा अच्छा वहाँ कोई घूमने की जगह है, कोई ऐसी जगह जहाँ घूम सके? बिल्कुल बिल्कुल पहले जो उत्तराखंड के जो एमपी थे जंग बहादुर, बिल्कुल वो जो है तिल्ली गांव के ही थे। उसके बाद जो है उत्तराखंड के गांधी जी ने कहा था जसवंत सिंह बिल्कुल वो भी तिल्ली गांव से ही थे। और तिल्ली गांव से वीरेन सिंह डिस्ट जो वाइस चांसलर पंतनगर यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे रिश्ते में चाचा ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप वहाँ बहुत सारी चीज़ें घूम सकते हैं। जो युवा पीढ़ी है उनके लिए क्रिकेट चल रहा है वहाँ पे, टूर्नामेंट भी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, वॉलीबॉल का भी चल रहा है, बिल्कुल इस तरह के खिलाड़ी लोग हैं। मतलब पहाड़ी एक नए स्तर पे वो करने वाले हैं, गेम के माध्यम से भी अपने पहाड़ को कर रहे हैं, लोगों को जुड़ना चाहते हैं, जो खिलाड़ी लोग हैं, खेल प्रिय लोग हैं, इस तरह से भी जो है अपनी संस्कृति से जुड़ भी सकते हैं और अपना मनोरंजन है या जो उनका खेल है बिल्कुल प्रदर्शन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बाकी उत्तराखंड वासियों कुछ कहना चाहेंगे आप? बोलो जय उत्तराखंड, जय नरेंद्र। थैंक यू सो मच आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपने एक समय कीमती समय दिया।